प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और चीवर पहनने के बाद भंते बने भ्रमण अशोक उर्फ गगन मलिक ने कहा कि जीवन दुख है, धम इस दुख से निवारण का मार्ग है। हमारे साथ है पूर्व मॉडल एक्टर गगन मलिक, जो अभी फिलहाल उन्होंने धम्म की दीक्षा ग्रहण की है। क्या बताओगे गगन मलिक से श्रमण अशोक तक, मतलब ये कैसे कन्वर्ट हुए आप, क्या मतलब इंस्पिरेशन थी, क्या प्रेरणा मिली थी? बौद्ध धम्म तो मैंने 2014 में ही अपना लिया था श्रीलंका में, प्रचार प्रसार काफ़ी किया, देश विदेश में किया, लेकिन अब एक समय ऐसा आ गया था कि अब जो है इसकी गति जो धम्म चक्र की है वो बढ़नी चाहिए। इम्परमानेंस का ज्ञान हुआ, अनित्य का ज्ञान हुआ कि कुछ नहीं पता आज है अगले पल में नहीं है, आज सब कुछ है कल नहीं होगा। बदलाव के बारे में ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से डीप जब हुआ तो सच्चाई का ज्ञान हुआ, तो वो जो सफर था, फिर मैंने जाना कि सही माने में खुशी क्या है, क्या पैसा से खुशी आ रही है, क्या नाम से खुशी आ रही है। जब मैंने चेक किया तो सभी में दुख था, तो फिर मैंने सोचा कि खुशी किस में है, तब मालूम चला जो खुशी जो है वो लोगों की सेवा करने में है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द रियल इनर हैप्पीनेस, जो संघ करती है, जो बुद्ध ने किया और जो सारे धर्मगुरु या भगवानों ने किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में मैं भी लोगों को सर्विस दूँ, उससे मेरे मन में बहुत ज़्यादा जो है ना एक खुशी का एहसास होता है, एक शांति मिलती है, और वही सही शांति है। इसलिए वो जो एक चकाचौंध फिल्मी दुनिया का एक एक्टर आज भिक्षु के रूप में है, ये जो बदलाव है ये अच्छा बदलाव है, तो ये इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो इसलिए मेरे लिए कोई बड़ी बात ये नहीं है। आपने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है, वो वाली लाइफस्टाइल और अभी की लाइफस्टाइल, तो कैसी लाइफस्टाइल अभी रहेगी, क्या बताओगे? मतलब कुछ दिक्कतें आई होगी, मतलब जो पहले की लाइफस्टाइल थी, जो मतलब हैबिट्स रहती है वो छुड़ाने में, मतलब किस तरह का ये सब? मैं सारी ख़राब हैबिट से वैसे ही दूर था शुरू से। दूसरा लेकिन एक ये है कि अभी थोड़ा सा आसान लगता है कि पहले बहुत सारे बैग साथ में कैरी करने पड़ते थे, अब कहीं पे भी जाते हैं तो सिर्फ यही कपड़े हैं, दो रोब अपने पास रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या कहते हैं उन्हीं से ही, कोई बाकी कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी भी तरह का अपने आप को मतलब जिसे कहते हैं ना खूबसूरत बनाने की कोई प्रक्रिया नहीं करनी, अपने ऊपर कोई काम नहीं करना, तो चीज़ें बहुत आसान लगती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत हल्का हो गया, तो इसलिए मुझे किसी तरह का कोई दुख नहीं है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जो अभी बदलाव आएगा आने वाले समय में ये है कि जब मैं डिसरोब होऊंगा, अभी श्रामनिर हूँ, तो मैं जो भी काम करूँगा फिल्मी दुनिया में रहूँगा मैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं वही काम करूँ जिससे लोगों तक कोई एक अच्छा संदेश जाए। तो आगे के भविष्य के प्लान्स क्या है, मतलब किस तरह से लाइफस्टाइल रहेगा, किस तरह से आप मतलब जीवन व्यतीत करोगे? नॉर्मल तरीके से रहेगा, बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार और ज़ोरों शोरों से होगा, डॉक्यूमेंट्रीज, बुद्धिस्ट जातक कहानियाँ, म्यूज़िक वीडियोस, गाने, जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं, जो कि हाई क्लास मीडिया में अभी कम दिखती हैं। एक गाना तैयार कर चुके हैं, वो गाना बहुत जल्दी लॉन्च होगा, एक अच्छे वीडियो की प्रस्तुति होगी लोगों के बीच में बुद्ध के ऊपर, और क्या कहते हैं एक डॉक्यूमेंट्री की तैयारी कर रहे हैं थाईलैंड में। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो लोगों के सामने आने वाले समय में लोगों को दिखेंगे, जो कि बहुत अच्छे पैमाने पे हम बात कर रहे हैं कि हम उस लेवल का बनाएं जो नेटफ्लिक्स वगैरह में जा सके। अभी क्या दर्शकों को जो है आप संदेश देना चाहोगे? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन जो है वो दुख है, अब उसको दुखों को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, धम्म का आचरण करना, अष्टांग मार्ग को अपनाना। तो कोशिश करिए, धम्म की राह पर चलिए और अच्छे कर्म करिए और बुरे कर्म ना करिए। सिंपल अक्षरों में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको बौद्धमय भारत दूंगा।